हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल शॉक होता क्या है और इलेक्ट्रिकल शॉक ह्यूमन को फील क्यों होता है और इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए आप कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं या आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। शॉक बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं करंट और वोल्टेज की। करंट और वोल्टेज होता क्या है? तो देखिए, किसी भी कंडक्टर से या किसी भी चीज़ से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे करंट। करंट किसे बोलेंगे कि किसी भी चीज़ से या मटेरियल से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो खुद फ्लो नहीं होगा, इसे फ्लो होने के लिए हम इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर फोर्स लगता है जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं। तो आप समझ गए करंट और वोल्टेज होता क्या है। करंट होता है कि किसी भी मटेरियल से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं करंट। और वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जितना फोर्स की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। तो आप करंट और वोल्टेज समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकता है और कौन कम, इसको इलेक्ट्रिकल की दुनिया में समझे तो कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने देता है, जो इलेक्ट्रॉन है जो इसको इजीली फ्लो होने देता है तो वो होगा आपका गुड कंडक्टर, वो होगा आपका गुड कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने नहीं दे वो आपका होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में एग्जांपल आप ले सकते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी। आप इसमें जितना भी मेटेलिक पार्ट होता है वो गुड कंडक्टर में आता है। और बैड कंडक्टर कहने का मतलब जैसे रबड़ प्लास्टिक, ये सब आपका बैड कंडक्टर में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में शॉक क्यों लगता है। तो ह्यूमन बॉडी में शॉक लगने का फर्स्ट कारण ये है कि ये जो करंट या फिर वोल्टेज है किसी कंडक्टर में, ये हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ट्रैवल करना चाहता है। ये जो करंट है, ये जो वोल्टेज है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ट्रैवल करना चाहता है। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, इसमें है 415 वोल्ट और ये है अर्थ जिस पर आप रहते हैं। ये मान लीजिए आप हैं, ठीक, ये है, इसमें है 415 वोल्ट और ये अर्थ है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है यानी 0 वोल्ट होता है। कभी भी इसमें कितना भी वोल्ट दे दे ये अपने अंदर सोख लेगा, यानी इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है और ये है 415 वोल्ट। तो करंट का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ट्रैवल करता है। तो ये है रहा हाई वोल्टेज और ये रहा लो वोल्टेज, यानी 415 वोल्ट आपका हाई वोल्टेज है और ये है लो वोल्टेज। तो ये करंट या वोल्टेज हमेशा चाहेगा कि ये इसमें समा जाए, जाकर इलेक्ट्रॉन इसमें समा जाए, क्योंकि हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ट्रेवल करना चाहता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि ये 415 वोल्ट इस अर्थ में समा जाएगा, तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसके बीच अभी एयर है। जो एयर होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता है। अगर आप इस वायर को टच कर देते हैं तो आप एक कंडक्टर मीडियम बन जाते हैं,
जिससे आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है और ये फिर अर्थ में चला जाता है। इसके कारण भी आपको शॉक लगता है। तो आप समझ गए कि शॉक क्यों लगता है, क्योंकि जो आपका वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ट्रेवल करना चाहता है। तो आप अगर इस कंडक्टर को टच कर देंगे तो आप एक मीडियम बन जाएंगे। जो ह्यूमन होता है वो इलेक्ट्रॉन का अच्छा चालक होता है, वो गुड कंडक्टर में आता है, इसीलिए आप एक मीडियम बन जाते हैं। अगर इसके बीच कोई मीडियम नहीं हो तो ये इधर से इधर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ये तो हो गया पहला रीजन। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा रीजन पर। दूसरा रीजन ये है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। जो करंट है आपका लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। एक आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि दो ट्रैफिक है, ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा भीड़ है और इसमें कम भीड़ है, तो आप किस रास्ता से जाने के लिए प्रीफर करेंगे? आप सोचेंगे कि जिसमें कम भीड़ हो उसी से जाएं। तो करंट भी वही करता है, इसे जिस मटेरियल में लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है या फिर लो रेजिस्टेंस होता है, करंट उसी से फ्लो होने में सहायता करता है या फिर बोल सकते हैं उसी से फ्लो हो सकता है। तो करंट लगने का एक मुख्य कारण ये भी है, शॉक लगने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। आप अगर हम केमिकली बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें सोडियम आयन या फिर बोल सकते हैं पोटेशियम आयन या फिर बोल सकते हैं क्लोराइड आयन, ये सब आयन हमारे शरीर में पाया जाता है और बहुत सारे आयन पाया जाता है। तो जो ये सब आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन का अच्छा चालक है। इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो हो सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है तो करंट भी फ्लो हो जाएगा, वोल्टेज भी फ्लो हो जाएगा। तो इसके कारण हमें शॉक लगता है। पहला शॉक लगने का कारण ये है कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ट्रेवल करना चाहता है। और जो दूसरा कारण है वो जो करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक हमें कैसे बचना चाहिए, उसे हम कैसे बच सकते हैं। तो करंट को बॉडी में फ्लो होने से कैसे बचाएं, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल ही काम करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई कोई भी काम करते हैं, तो आपको सेफ्टी शू प्रोवाइड कराया जाता होगा। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि सेफ्टी शू ग्लव्स कैसा होता है, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आप अपने बॉडी और अर्थ के बीच डिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि हम बैड कंडक्टर का बात किए थे, तो रबड़, प्लास्टिक, ये सब बैड कंडक्टर है। तो अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इसमें ग्लव्स पहने रहेंगे, शू पहने रहेंगे, तो आपको इस 415 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच कोई मीडियम नहीं बन पाएगा, कोई लो रेजिस्टेंस पाथ नहीं मिल पाएगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो आप जब भी आप इलेक्ट्रिकल से काम करें तो आप सेफ्टी शू का यूज करें, चप्पल पहने, जूता पहने, ये सब आप यूज कर सकते हैं। अब हम डोमेस्टिक पर बात करें तो जैसे कि हम लोग घर का वायरिंग करते हैं, कुछ बोर्ड उड खराब हो जाता है, तो उसमें हम प्रीफर करते हैं कि प्लास्टिक चेयर यूज करें या फिर लकड़ी का चेयर यूज करें, या फिर इंडस्ट्रियल में जाइएगा तो उसमें मैट जीठा हुआ रहता है, रबड़ का मैट जीठा हुआ रहता है, जिससे आपके और अर्थ के बीच कोई कंडक्टिंग मीडियम ना हो। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे कि ह्यूमन में इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।